कूड़े से सोना बरामद, मेरा मतलब चंडीगढ़ का रॉकगढ़, जिसको अपने जमाने के काबिल और दूरंदेश प्लानिंग कमिश्नर चंडीगढ़ आजानी नेक चंद ने तामीर किया था। हमारे यहाँ के जो लोकल जो हमारे शहर लोग हैं बोले कि आप लोग रॉक गार्डन देख लीजिए, तो आने के बाद हमने देखा वाकई अनोखा चीज़ है, क्योंकि हमने मैच के कारण पूरे इंडिया में बहुत जगह घूमा लेकिन ये रॉक गार्डन नहीं देखा कभी। एक अनोखा चीज़ है जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो हमारे जो रेफरीज को भी बहुत अच्छा लगा, उनका माइंड मोटिवेट हुआ, क्योंकि मैच करते करते उनका माइंड जो वो हो जाता है थोड़ा पजल्ड हो जाता है, तो इसको देखने के बाद उनका माइंड अच्छा मोटिवेट हुआ। और एक बहुत अनोखा चीज है जिसको हम बाहर जाके बोलेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। इस गार्डन को मुख्तलिफ टूटी फूटी चीजों और पत्थरों से तामीर किया गया है। यहाँ छोटे छोटे दरवाजों से गुजर कर इंसान जैसे भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। छोटे छोटे पानी के चश्मे, आबशार, मूर्तियां और जानवर भी मुख्तलिफ टूटी फूटी चीजों और पत्थरों से तामीर किए गए। यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में सयाह आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यह है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जिसको उस वक्त के अपने ज़माने के मशहूर मारूफ चीफ टाउन प्लानर नेक चंद ने तामीर किया है। इस गार्डन की खसूसियत यह है कि जो वेस्टेज था उन चीज़ों से इसको बनाया गया, ये पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ चंडीगढ़ में रोज़ाना लाखों सयाह यहाँ आते हैं और इस गार्डन का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ न सिर्फ छोटी छोटी पार्किंग, छोटे छोटे झील और इसके साथ में छोटे छोटे दरवाजे, ऐसा लग रहा है कि आदमी भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। टाइल के टुकड़े, पुराने मटके, बिजली के स्विच और होल्डरों को भी इस बाग की जीनत बनाया गया है। नेक चंद के इस नेक कदम को न सिर्फ सयाह सराहते हैं बल्कि मौजूदा दौर के हुक्मरानों के लिए एक बेहतरीन सबक भी करार देते हैं, जिस पर अमल करने की जरूरत है। अगर वाकई सोच रखने वाले दूर अंदेश अफसरान मौजूद हो तो खराब से भी अच्छा बरामद हो सकता है और इस तरह तामीर व तरक्की हो सकती है। रशीद राहिल, चंडीगढ़। सब्सक्राइब एशियन मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।